नमस्कार, CSS की इस दूसरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपका परिचय करा दिया था कि भाई जान लो कि CSS क्या होता है और उसके तीन टाइप क्या होते हैं, उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सब हमने देख लिया है। ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में क्या होने वाला है सर? तो आज हम सीखेंगे क्लास क्या होता है और ID क्या होता है और इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले सबसे पहले आसानी से समझ लीजिए कि क्या होता है ये। तो देखिए, क्लास और ID कुछ भी नहीं है, जैसे पहले ऊपर प्रॉपर्टी बताकर नीचे यूज़ करते थे वही चीज़ है, उसी तरीके से है। वही चीज़ नहीं है, उसी तरीके से है, बस डिफरेंस ये है कि क्लास आप कितनी भी ले सकते हो लेकिन ID हमेशा यूनिक होती है। क्या चीज़ कही जा रही है? कि जो क्लास आपकी होती है वो आप कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन ID आपकी जो होती है वो यूनिक होती है, वो एक बार के बाद दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लास हमको समझाया गया है, ये सारी चीज़ हम समझेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एग्जांपल के साथ। सबसे पहली चीज़, क्लास किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि क्लास जब भी बनती है आपकी पीरियड साइन, मतलब डॉट साइन की से उसकी शुरुआत होती है, डॉट साइन के सहायता से उसकी शुरुआत आप करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे जाएंगे, अभी इसको करके भी प्रैक्टिकली देख रहे हैं, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर आप देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, डॉट की सहायता से एक होम टाउन हमने क्लास बना दिया और इसमें हमने करली ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड येलो दे दिया। अब जहाँ पर भी मैं होम टाउन क्लास यूज़ करूँगा वहाँ पर बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आए, इस पैराग्राफ में क्लास इज इक्वल टू होम टाउन दे दिया हमने और बताया नहीं होम टाउन के अंदर क्या किया है, बस क्लास इज इक्वल टू होम टाउन लिख दिया। अब यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होम टाउन में हमने डिफाइन की है वो सारी यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। एक एग्जांपल करते हैं, देखिए ये कल जो फाइल हम प्रैक्टिस कर रहे थे वही है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, सीधे आपको डॉट की सहायता से लिखना है। तो जब भी CSS यूज़ करते हैं हम लगाते हैं स्टाइल, इंटर किया, एक स्टाइल बंद कर दिया। अब इसके अंदर हमने लिखा डॉट और एक नाम हम कुछ ले लेते हैं text1, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया और इसके अंदर लिख दिया कलर इज इक्वल टू रेड और इसको हमने बंद कर दिया। और यहाँ पर गए भाई h2 के अंदर, हमने लिख दिया क्लास इज इक्वल टू text1 और इसको हमने सेव कर दिया। अब अपने वेब पेज में हम गए और इसको हमने सिर्फ रिफ्रेश किया तो ये देखो कलर आपका रेड आ गया। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, क्लास को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे नीचे मेरा मन हुआ कि मैं पैराग्राफ को भी लाल कर दूँ, तो पैराग्राफ को भी मैंने क्या कहा, भाई साहब आप भी जो है टेक्स्ट इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद किया, सेव किया, इसमें गए रिफ्रेश किया, ये भी लाल हो गया। एक और चीज़ क्लास की खासियत है कि एक एलिमेंट में आप दो क्लास भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम गए और एक और हमने बनाया आपका क्लास डॉट टेक्स्ट साइज, कर्ली ब्रैकेट लगाया, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू मैंने दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। और ये मैंने इसको बंद कर दिया और ब्रैकेट भी आपका बंद कर दिया। अब नीचे जाएंगे और टेक्स्ट साइज़ को भी एक बार देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हमने यहाँ लिखा क्लास इज इक्वल टू और टेक्स्ट साइज़ और इसको बंद किया, सेव किया, वेब पेज में गया, रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिए अंतर आ गया, साइज़ इसकी घट गई। अब चलिए इसी एक जगह पर हम दो क्लास यूज़ करते हैं, हमने text1 भी यूज़ कर लिया और टेक्स्ट साइज़ भी यूज़ कर रहे हैं। साइज़ थोड़ी सी बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ 50 कर दी, इसको सेव किया और यहाँ पर जाएंगे तो ये अक्षर लाल भी रहेगा और टेक्स्ट साइज़ भी बदल जाएगी। रिफ्रेश किया, देखिए लाल भी है और टेक्स्ट साइज़ भी बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि हमने दोनों प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। हमने क्या किया है, हमने टेक्स्ट भी यूज़ कर दिया, टेक्स्ट साइज़ भी यूज़ कर दी है। अब अगर कोई बच्चा यहाँ तक पढ़ाई किया है तो उसको क्या समझ में आ जाना चाहिए? सबसे पहले क्लास आपका क्या करता है वो आपने देख लिया, दूसरा आप एक क्लास को बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, तीसरा एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा क्लासेस भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तीन चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए, यही क्लास की टोटल कहानी है। आइए आपको नोट्स दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने रूल लिख दिया है
कि क्लास कैन बी यूज मोर देन वन टाइम इन वेब पेज, एक वेब पेज में एक से ज़्यादा बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ क्लास जो है आपका एक बार में एक से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब एक एलिमेंट है तो उसमें एक से ज़्यादा क्लास आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमने बता दिया है। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आपके दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि आपका आईडी है। अब आईडी जो चीज़ होती है वो यूनिक होती है, आईडी आपकी बार बार नहीं यूज़ की जा सकती। और आईडी किस तरीके से बनाई जाती है, हैश की सहायता से। आपको आईडी बनानी है तो हैश की सहायता से आप बनाएंगे। मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि उसी तरीके से बस स्टार की जगह, सॉरी डॉट की जगह पर आपका हैश लग गया है। तो यहाँ पर गए हमने, एक पैरा नाम का बना लिया है आईडी। अब इस पैरा को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू पैरा, और यहाँ सब जगह से मैंने क्लास को हटा दिया। इसको सेव कर दिया, वेब पेज में गए, रिफ्रेश किया, और देखिए ये बदलाव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्या क्या बदलाव हो रहा है, सेंटर में चला जा रहा है और आपका कलर जो है टेक्स्ट का वो रेड हो जा रहा है। ये दो बदलाव आपका यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है। ये दो चेंजेस आपके हो रहे हैं, सेंटर में चला गया और रेड में हो गया। सर आपने एक और चीज़ बोली, ये यूनिक होता है। अब देखिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी आपके साथ यहाँ पर, देखिए इसके बाद भी अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, मैं इस वाले पैराग्राफ में इसका इस्तेमाल करूँगा, तो मैंने भी क्या कहा, एक से ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो ये सही नहीं होता है, ये असर नहीं करेगा। लेकिन जब आप करेंगे तो इसका असर होगा। तो आप कहेंगे सर ने गलत पढ़ाया, सर ने गलत नहीं पढ़ाया है। आगे आप चलेंगे तो चीज़ समझ में आएगी कि एक से ज़्यादा बार ये वैलिडेट नहीं होगा, और जावा में आप यूज़ भी नहीं कर पाएंगे जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे। तो याद रखिए अच्छी प्रैक्टिस क्या है, आईडी सिर्फ एक बार यूज़ की जा सकती है, और उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। इसके साथ क्या क्या नियम आते हैं वो भी यहाँ पर मेंशन हमने कर दिए हैं। सबसे पहला क्या था कि इसको यूनिक होता है, दूसरा इसको एक से ज़्यादा बार आपको इस्तेमाल नहीं करना है, हैज़ की सहायता से आप इसको बना सकते हैं। और एक और चीज़ जो काम की होती है, यहाँ पर देखिए एक बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर हम क्लास और आईडी दोनों को इस्तेमाल कर देंगे तो क्या चीज़ डोमिनेंट रहेगी, मतलब अगर एक ही एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पर आईडी भी लगा दूँ और यहीं पे क्लास भी लगा दूँ। देखो एग्जांपल क्या, मैं करके ही दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर गए, डॉट लगाए और एक क्लास हमने ले ली कम नाम की, और कलर दे दिया हमने रेड है ऊपर, तो हम यहाँ पर दे देते हैं येलो, ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर गए, क्लास इज इक्वल टू हमने दे दिया, अब इसको सेव किया। अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ हमने कर दी है, पहली चीज़ क्या कि आईडी डिसाइड कर दी है जिससे इसका कलर लाल होना चाहिए, और दूसरा हमने क्लास डिसाइड कर दी जिससे इसका कलर येलो होना चाहिए। तो फाइनल कलर क्या आएगा, तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये लाल ही रह जाएगा, क्योंकि अगर आईडी और क्लास दोनों इस्तेमाल की गई है तो आपका क्लास जो है वो बाद में आता है, आईडी डोमिनेंट होगी तो आईडी की प्रॉपर्टी ऊपर दिखेगी। ये मत सोचिएगा कि हमने इसको पहले लिखा है इसलिए ये डोमिनेंट हुआ है, इसको आप कट करके बाद में भी लिख देंगे अगर ना, और सेव कर देंगे तो भी इसका कलर लाल ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि क्लास हमेशा डोमिनेंट रहती है। ये चीज़ समझ में आ गई, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। अगले लेक्चर मिलेंगे कुछ और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।